बरपात्री फाउंडेशन द्वारा वेली खेल मैदान ठाकुर विलेज कांदीवली ईस्ट में 100 कुंडड़ी महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की तादाद में भक्त शामिल होते हैं। इस महायज्ञ की खास बात यह है कि 100 कुंडड़ी महायज्ञ में श्रीमद् भागवत कथा 9 वर्षीय ऋषभ देव द्वारा लोगों को सुनाया जा रहा है। तो वहीं इस महायज्ञ में MM होटल के मालिक मोहन गुप्ता भी महायज्ञ में शामिल हुए और भक्ति में लीन नजर आए। मोहन गुप्ता आरती से लेकर कथा वाचन से पूरे समय महायज्ञ में भक्ति में डूबे रहे। ये जो भगवानों की कथाएं हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, राम कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता, इनसे हमें भगवान के बारे में जानकारी होती है। कि राम कथा से हमें जानकारी मिलती है कि भगवान श्री राम ने मर्यादाएं रखी, मर्यादाओं के उल्लंघन नहीं रहे। श्री कृष्ण से प्रेरणा मिलती है कि श्री कृष्ण ने सब कुछ ध्यान से ही किया, पूतना को ध्यान से मारा। भगवती का दर्शन करें। हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी एक एक इंद्रिय को भगवान से जोड़ना चाहिए। पांडे जी, कपिल जी ने माता देवहूति के लिए सांख्य योग का वर्णन किया। सांख्य का मतलब है संख्या और योग माने जोड़ना। अपनी एक एक इंद्रिय को भगवान से जोड़ना है सांख्य योग। हाथों को भगवान की सेवा से जोड़ना, पैरों को तीर्थ यात्रा से जोड़ना। तो हम अपने अंदर भक्ति धारण करें, तभी भागवत की कथा अन्य पुराणों हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। ये मेरा सौभाग्य है, इतने पवित्र स्थल पर आकर मैंने भागवत सुना, यज्ञ के दर्शन किए, गंगा आरती का दर्शन किया, सभी संत लोगों से भेंट हुई। ये भारतीय संस्कृति का अद्भुत दर्शन है। हम गंगा जल को गांव गांव में पहुंचाना चाहिए, खेतों में पहुंचाना चाहिए, जिससे नई क्रांति आएगी। गायों के लिए घास मिलेगी, घी दूध की नदियां बहेंगी, डीजल देश को चला रहा है, विदेश जाता है, पैसा जाता है, पर हमारा जो प्रकृति का जल है वो अभी तक खेतों में नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण गांव व्यवस्था टूट रही है। मैं प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि गंगा जल गांव गांव पहुंचे, खेतों में पहुंचे और गऊ के लिए घास फ्री मिले। इन सब का मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि बंबई जैसी नगरी में इतना अद्भुत कार्यक्रम श्री प्रबल जी फाउंडेशन किया। मेरा कोटि वंदन। संसार में जहाँ देखें वहाँ दर्द भरा हुआ है, हर आदमी दुखी दिखाई देता है। वो मुस्करा भी रहा है तो मजबूरी में मुस्करा रहा है, लोग कुछ मेरे अंदर ना झांक लें। पर जब उसको अपनापन नज़र आता है, कहीं लगता है कि यहाँ छाया मिलेगी या समाधान मिलेगा, तो फट से आंसू निकल आते हैं। किसी को देख लो आप, जितने चमकते हुए मुस्कराते हुए चेहरे, सबके अंदर दर्द भरा है। ये कथा व्यक्ति के दर्द को दूर करने की दवा है, व्यक्ति की व्यथा को हरण करने के लिए है ये कथा। जो भी दिल से जुड़ जाएगा, ये दावा है, उसका दर्द खत्म हो जाएगा, उसकी व्यथा खत्म हो जाएगी। इसलिए है।